लेकिन सच बात तो ये है, जैसे मैंने कहा कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। क्योंकि पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी ना करता तो सपने में भी गौरी साहबुद्दीन कदम यहाँ ना धरता। सोमनाथ पर यदि पुजारी दिखलाता कायरता ना, तो गजनी का महमूद खजाना यहाँ के धन से भरता ना। और ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहूदे प्रचारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। अगर अपने ही गद्दार न होते तो इस भारत के टुकड़े भी हर बार न होते। जिस देश में रामायण के अखंड पाठ होते रहते हैं, उस देश को खंड खंड कर दिया जाए, तुम्हारी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए और तुम देखकर तमाशबीन होकर तमाशा देखते रहो। कोई कह दे हम तिरंगा फाड़ दें, कोई तिरंगे का अपमान करता है, भगवे का अपमान करता है, भारत माता को डायन कहता है और हम चुपचाप तमाशा देखते हैं। कोई हिंदुत्व को गाली देता है, कोई राम को बदनाम करता है, कोई कृष्ण को बदनाम करता है, और तुम ऐसे तमाशबीन हुए कि सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, बहुत चिंतन करके मैं कहती हूँ कि अगर अपने ही गद्दार न होते तो इस भारत के टुकड़े भी हर बार न होते, और न आकर बसते विदेशी यहाँ, और फिर हम न सीखते बुरी आदत, फिर लूट हत्या और बलात्कार न होते। ये तो त्यागियों का देश है, ये तपस्वियों का देश है, ऋषि मुनियों का, ज्ञानियों का, राम कृष्ण